ये लीजिए दोस्तों, एक लोट और आ चुकी है हमारे पास। ये आप देखें, ये पीस जो है नया आया है, मतलब के नई कंपनी ने इसको बनाया है, नया नए मॉडल में ये आ रहा है। और यहाँ पे ये आप देखेंगे लॉयड की एसी में ये कार्ड हमारा देखने को मिला है। और ये इस तरीके से हमारे पास पूरी लोड आती है। इसको हम रिपेयर कर चुके हैं, मतलब इसको हम ओके कर चुके हैं। यहाँ पे ओके का सब पे स्टिकर लग रहा है। ये वाला देखें आप, गोल्डन कलर का। यहाँ पे इस तरीके से आप देखें, ये इस तरीके से पूरा ये कार्ड रहता है। ये देखें, ये पूरी एक लोड आई हुई है जिसमें कि हमारा ये ओके हो चुके हैं ये इतने पीस। और ये इस तरीके से आपको ये दिखाई देने वाला है। यहाँ पे कुछ अलग से ही कंपनी ने ये बनाया है। और यहाँ पे इसको मतलब जो लोड की कैपेसिटी है वो भी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और ये बहुत अच्छा कार्ड चल रहा है इस समय, जो कि लॉयड कंपनी ने इसको अपने एयर कंडीशन में यूज किया है। और ये बहुत अभी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप देखें इस तरीके से ये लोड आ चुकी है और इसको हम रिपेयर भी कर चुके हैं। और यहाँ पे आपने एयर कंडीशन रिपेयर करते हुए आपने इस कार्ड को देखा हो तो आप मुझे बताइए ये कितने स्टार में, कौन से मॉडल में ये जो आउटडोर की पीसीबी है ये लग रही है। और आपने कभी इस कार्ड का एयर कंडीशन रिपेयर किया है या नहीं किया है? आप ये देखें इस तरीके से, ये कवर से बाहर निकला हुआ पीस है, इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला है। और इसमें जो है तीन सेंसर है, डिस्चार्ज, कॉइल और रूम। और यहाँ पे तीन ही वायर हैं, कम्युनिकेशन और लाइन और न्यूट्रल। और ये रहे कंप्रेसर की वायर, ये नॉर्मल वैसे ही काम कर रहा है जैसे, लेकिन इसका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा डिफरेंस है, मतलब एक दूसरे में ये मैच नहीं करता है। अगर लॉयड में आप लगाएंगे इसको तो इंडोर की पीसीबी इसी की ही चाहिए हमें, अदरवाइज दूसरे उसमें काम नहीं करेगा। इस तरीके से ये लोड है पूरी।